वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, वी विल डिस्कस टुडे, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, यानी हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे, और उससे पहले लिप कंडीशन क्या होती है, लिपस्टिक कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सोल्यूशंस फाइंड आउट करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जो हमारा अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? तो आज हम ये देखेंगे कि लिप कंडीशन क्या होती है, उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम जो लिप कंडीशन को इम्प्लाइज करती है, और किसी फंक्शन की लिप कंडीशन को कैसे चेकआउट करते हैं, और वो होता क्या है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ लिपस्टिक फंक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, लिपस्टिक कंडीशन, ठीक है, क्या होती है ये कंडीशन किसी फंक्शन पे। अब देखो बच्चों, जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। इज इट क्लियर? तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास जो जनरल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो फॉर्म है वो क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखो बच्चों, हमें इस पे इसके में क्या पढ़नी है, लिप कंडीशन, कि ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन हमारे पास लिप कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा और कब सेटिस्फाई नहीं करेगा इन द गिवन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इस y की वैल्यू दी होगी किसी पॉइंट x नोड पे, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं y ऑफ x नोड इज इक्वल टू y नोड। ठीक है, यानी जब x नोड है और y की वैल्यू क्या है, उस पे y नोड है। ठीक है, तो इस टाइप की हमें क्या दी हुई होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो उस पे हमारे पास क्या होगा, इंप्लीकेशन होगा, कुछ रिजल्ट होंगे लिप कंडीशन में और इसके सॉल्यूशंस पे। ठीक है, हमें जो इसके सोल्यूशन पे, यानी हमने किसका सोल्यूशन, y ऑफ x, इसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो y ऑफ x का आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ x। इज इट क्लियर? या फिर y की फॉर्म में भी आ सकता है, इम्प्लिसिटिक फंक्शन की फॉर्म में भी इसका आंसर आ सकता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में बेसिकली, और इसी के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात होगी, और इसी के सॉल्यूशन की एग्जिस्ट करेगा फिर उसकी यूनिकनेस की बात होगी, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ एफ। ठीक है, कि एफ बाउंडेड है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड है इन द गिवन डोमेन डी, और जो डोमेन हम मेनली जो लेके चलते हैं इस टाइप की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, वो हम रेक्टेंगुलर टाइप डोमेन लेके चलते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन टॉपिक है हमारा, वो क्या हमारे पास, लिप कंडीशन। लिप कंडीशन क्या होती है, अब देखो, इसी फंक्शन की हमें क्या पढ़नी है, लिप कंडीशन विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो नाउ लेट अस कंसीडर डेफिनेशन ऑफ लिपस्टिक कंडीशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो क्या होगी, ए फंक्शन f of x y is defined on a domain d। ठीक है, जो फंक्शन है हमारे पास, जो f of x y है, वो किसी डोमेन d पे है, और अभी मैंने बताया कि वो डोमेन d है, वो हम क्या लेके चलेंगे, बेसिकली रेक्टेंगल। ठीक है, ए फंक्शन f of x is defined on domain d is set to satisfy लिपस्टिक कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन डोमेन डी। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, के कॉन्स्टेंट क्या मान लिया हमने, कैपिटल के, ठीक है, सच दैट कि वो जो कैपिटल के हमारे पास, जो ये कॉन्स्टेंट है, ये किस टाइप में हमारे पास एग्जिस्ट करे इस फंक्शन पे, सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन, दिस इज अ फर्स्ट टपल ऑन डोमेन, माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू इज लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू वाई वन माइनस वाई टू फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू बिलोंगिंग्स टू द डोमेन डी। ठीक है, डोमेन डी। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन
F सेटिस्फाई करता है तो हम F को क्या बोलेंगे, देन F सेटिस्फाई लिप कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू डोमेन D, ठीक है, डोमेन जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने क्या बोला यहां पे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन द डोमेन D, ठीक है, और जो इसमें जो कांस्टेंट K है इसको हम कहेंगे लिप कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये सेटिस्फाई करता है लिप कंडीशन, तो हम लिख भी देते हैं हेयर हेयर द कांस्टेंट कांस्टेंट K इज कॉल्ड लिपस्टिक कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट, इज दट क्लियर, तो जो के है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिप कॉन्स्टेंट, ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे लिप कंडीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिप कंडीशन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म टू डिफाइन दैट दिस कंडीशन, लिपस्टिक कंडीशन या फिर लिप कंडीशन हम बोलेंगे, इज दट क्लियर, आई रिपीट, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी इज सेट टू बी सेटिस्फाई satisfy lip condition if there exists a constant k such that f of x comma y1 minus f of x comma y2 is less than equal to mod है यहाँ पे, ठीक है, mod लेके चलना है हमें, ठीक है, is less than equal to k into y1 minus y2 for all, ये हमारे पास किससे आएंगे, domain D से, this is the main point because ये हमारे पास किससे आने चाहिए, given domain में जिसमें function define है, और जो k है हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, lip constant, ये हमारे पास हो जाएगा lip constant, so this is the definition to define a function which is satisfy lip condition or not, is that clear, तो हमें फंक्शन की मेनली ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या एक हमारे पास ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है जिसे हमारे पास ये इनइक्वालिटी है होल्ड करती हो। अब कुछ क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे, सीधी डेफिनेशन चेक करेंगे गिवन डोमेन पे कि क्या ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम भी है जो सफिशियंट थ्योरम है कि अगर ये कंडीशन एफ ऑफ एफ सेटिस्फाई करता है तो एफ लिप कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं है, आप ये नहीं बोलेंगे कि अदरवाइज नहीं करेगा, तो वो थ्योरम देखते हैं हम, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिप कंडीशन, इज दट क्लियर, नाउ कम टू द थ्योरम ऑन थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम हमारे पास थ्योरम है किस लिए कि फंक्शन लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, इज दट क्लियर, तो ये हमारे पास थ्योरम, और उसके बाद थ्योरम के बाद हम करेंगे क्वेश्चन कि फंक्शन गिवन डोमेन हमें दी हुई होगी और उस पर चेक करेंगे कि फंक्शन लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लेट ए फंक्शन इज डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन ए डोमेन डी, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, डोमेन डी, उस पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और क्या है, प्लस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इफ ठीक है, करली एफ अपॉन करली वाई, ठीक है, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई हिज एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन गिवन डोमेन डी देन एफ ऑफ एक्स वाई हिज सेटिस्फाई लिप कंडीशन ऑन, ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ है ये हमारे पास क्या करेगा, लिप कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऑन डी, ठीक है, जो गिवन डोमेन है डी ने, एंड लिप कांस्टेंट, ठीक है, हिज मैक्सिमम ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन, ठीक है, माइनस एफ एक्स कोमा वाई टू इज लेस देन इक्वल टू के इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ये कंडीशन थी हमारे पास लिप की, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन कोमा एक्स कोमा वाई टू बिलोंगिंग टू द डोमेन डी। अब देखो बच्चों, हमारे पास इसने क्या बोला है कि इस एफ का फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई आएगा यहां पे, ठीक है,
तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है यानी कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई ठीक है ये हमारे पास क्या करता हो एग्जिस्ट करता हो, प्लस हमारे पास ये क्या हो कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई ये हमारे पास क्या हो बाउंडेड ठीक है फॉर सम एम बिलोंगिंग्स टू आर। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है तो बच्चों हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास क्या कर जाएगा लीप कंडीशन को क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। इज दट क्लियर? ओके, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल लू मैं, मान लो मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, मैंने ये फंक्शन ले लिया ठीक है, हमारे पास क्या है साइन एक्स वाई साइन वाई ओनली साइन वाई फंक्शन है। अब मैं मान लो कोई डोमेन ले लूं, मैंने ये रेक्टेंगल ले ली ठीक है, हमारे पास ये रेक्टेंगल है ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फंडा भी मैं बताऊंगा क्या होता है ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस रेक्टेंगल में हमारे पास ये क्या है इसकी डोमेन है जो इसका इंटीरियर पार्ट है ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका इंटीरियर पार्ट, मान लो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास माइनस ए है, ये बी है, ये माइनस बी है। तो इस गिवन डोमेन में यू नो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बी हमारे पास क्या है, मान लो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, इट्स माइनस वन, इट्स ऑल्सो वन, इट इज ऑल्सो माइनस वन। अब इस डोमेन में हमें पता है कि जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसे रहेगा, तो हमारे पास ये क्या होगा बाउंडेड होगा, यानी इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विच इज कोस ऑफ वाई। अब हम देख रहे हैं जो कोस ऑफ वाई है वो हमारे पास क्या है लेस देन वन होता है, कोस ऑफ वाई इज लेस देन वन, तो इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर गया बाउंडेड कर गया और एग्जिस्ट भी करेगा बिकॉज कोस ऑफ वाई is exist for all value in the rectangle. इस रेक्टेंगल में जो वैल्यू होगी उसमें हमारे पास फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब मैं बिना इस डेफिनेशन के ये बोल सकता हूं कि जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या करेगा लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई लीप कंडीशन, लीप कंडीशन किस किस में डी में ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास क्या है डी इसकी डोमेन है। Is that clear? तो ये हमारे पास थ्योरम होती है, ये थ्योरम सिर्फ सुफिशियंट है बच्चों, इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख लो, दिस थ्योरम इज सुफिशियंट इफ एफ ऑफ कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई इज नॉट बाउंडेड ऑन गिवन डोमेन देन वी कैन नॉट से दैट द फंक्शन इज सेटिस्फाई लीप कंडीशन और नॉट। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई अगर ये गिवन डोमेन में अगर बाउंडेड नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन लीप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये नहीं बोलना है, बिकॉज इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ विच इज बाउंडेडनेस ऑफ इस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड होता है तो दैट इंप्लाइज कि हमारे पास एफ इज एफ सेटिस्फाई लीप कंडीशन ठीक है, किसको सेटिस्फाई करेगा लीप कंडीशन को। बट अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन अगर बाउंडेड नहीं है देन वी कैन नॉट से अबाउट दैट द फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई लीप कंडीशन, इट द केस मे और मे नॉट बी, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इज दट क्लियर? तो इस थ्योरम का आप ये भी बोल सकते हो कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, दिस इज द ओनली सुफिशियंट कंडीशन। आई रिपीट थ्योरम को मैं रिपीट कर देता हूं, ए फंक्शन इज डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस, दो कंडीशन है उस पे कि डिफाइंड होना चाहिए डोमेन पे, जैसे हमने ये डोमेन ली थी तो इस डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। On a domain D, if first partial derivative of f with respect to y is exist and bounded, ठीक है, then f of x y is satisfied lip condition with इसका जो हमारे पास constant आएगा, यानी जो k की value हमारे पास, k की value क्या होगी? Maximum of curly f upon curly y. तो ये हमारे पास वैल्यू होगी इंडिविजुअली, वो लास्ट में यही बोल रहा है कि जो लीप कांस्टेंट है k हमारे पास क्या था लीप कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम ऑफ कर्ली एफ अपॉन कर्ली Why? Is that clear? तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें हमने, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसमें हमने जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कि चेक करेंगे कि हमारे पास जो फॉलोइंग फंक्शन है इन द गिवन डोमेन पे लीप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे या नहीं कर रहे ठीक है, तो ये हमारे पास बाई डेफिनेशन से करेंगे, लेकिन ये थ्योरम में सिर्फ उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव की बाउंडेडनेस देखनी है, अगर वो बाउंडेड आता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा
लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सम क्वेश्चन पार्ट. ठीक है, कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं हम और उनको गिवन डोमेन पे चेक करते हैं कि वो हमारे पास लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल लेके चलेंगे वो हम किस स्टेप से लेके चलेंगे. ठीक है, तो वो देखो, अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं और रेक्टेंगल क्या होती है वो मैं लेके बताता हूँ. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लिप कंडीशन के जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे पास किस में होंगे, रेक्टेंगल डोमेन जो हमें गिवन होंगी वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी. ठीक है, तो वो देखो रेक्टेंगल. ठीक है, जो हम जैसे कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, कोची पियानो यूनिकनेस थ्योरम है, तो उनमें भी हम डोमेन क्या लेके चलेंगे, रेक्टेंगल ही लेके चलेंगे. इज इट क्लियर? तो अब देखो वो होगी, हम आर से डिनोट करेंगे उसको. आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सच दैट एक्स माइनस एक्स नोड इज लेस देन इक्वल टू ए एंड वाई माइनस वाई नोड इज लेस देन इक्वल टू बी. अब ये देखो बच्चों, ये होता है. ठीक है, या फिर मैं इक्वल ना ले इसमें, सबसे पहले मैं इक्वल नहीं लेता. इज इट क्लियर? तो ये देखो किसमें होगा हमारे पास, आर स्क्वेयर. ठीक है, तो इस इट इज द जस्ट नोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर, फर्स्ट वर्ड ऑफ आर, इट इज नॉट द सेट ऑफ रियल नंबर. इज इट क्लियर? तो इसको हम जस्ट सिंबल दिया है हमने. तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होती है. ठीक है, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ ये, वैसे तो क्वेश्चन में बता देता बट इंडिविजुअली बता रहा हूँ मैं कि किस टाइप की रेक्टेंगल हमारे चैप्टर में आ सकती है और कैसे ये मूव करती है विद द वैल्यू डिपेंड अपॉन एक्स नोड एंड वाई नोड एंड ए एंड बी. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं. देखो उसने एक्स वाई पे कंडीशन लगा दी कि एक्स वाई आर स्क्वेयर में है, सच दैट एक्स माइनस एक्स नोड, ये हमारे पास क्या है, एक इंटरवल होगा, ये भी हमारे पास इंटरवल होगा. तो उस कॉमन रीजन हमारे पास में जो रेक्टेंगल आएगी वो हमारे पास क्या होगी, आर. ठीक है, और डी इसी को लेके चलेंगे हम, जो डोमेन लेंगे किसी फंक्शन की टू सेटिस्फाई द लिप कंडीशन ऑन ए गिवन डोमेन डी, तो हम इस टाइप की रेक्टेंगल लेके चलेंगे. नाउ कम टू द दिस पॉइंट, ये हमारे पास क्या है. अब ये देखो एक्स माइनस एक्स नोड इज लेस देन ए, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगी, ये वैल्यू होगी एक्स x माइनस एक्स नोड. ठीक है, ये देखो ये हमारे पास है आर स्क्वेयर. इज इट क्लियर? तो अब देखो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, तो x की वैल्यू होगी x नोड प्लस a. ठीक है, और x नोड माइनस a इसके बीच में होगी. इज इट क्लियर? तो और सिमिलरली ये हमारे पास है y माइनस y नोड लेस देन b, इसकी हम बाद में देखते हैं. ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ये हो गया x नोट y नोट, ये कहीं भी आ सकता है पॉइंट. मान लो हम x नोट y नोट इस ओरिजिन को मान लेते हैं, x नोट कोमा y नोट, मतलब ओरिजिन को मान लेते हैं, देन द x नोट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और y नोट की वैल्यू क्या होगी, वो भी जीरो होगी. तो अब देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, जो एक तो ये लाइन होगी x नोट प्लस y नोट, तो ये यहां पे आएगी. ठीक है, x नोट प्लस y नोट, दिस इज द x नोट प्लस a, और x नोट माइनस y नोट इस तरफ आएगी, नहीं a, दिस इज द लेंथ a, ये हमारे पास लेंथ a हो गई, और एक ये हो गई, तो ये हमारे पास ऐसे आएगी x नोट माइनस a. अब इसके बीच में x की वैल्यू, यानी इसका एरिया इस तरफ और इसका एरिया इस लाइन से इस तरफ वाली. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गई, हमारे पास होगी वैल्यू सिर्फ x नोट के, x के x की पॉसिबल वैल्यू. सिमिलरली हमारे पास ये दे रखा है कि ये हमारे पास y माइनस y नोड इज लेस देन b, तो सिमिलरली जो y की वैल्यू होगी वो बीच किस किस के बीच में होगी, y नोड प्लस b और y नोड माइनस b. अब हमने x के अकॉर्डिंग तो प्लॉट कर ली, अब हम करते हैं y के अकॉर्डिंग प्लॉट. अब ये देखो बच्चों, ठीक है, ये इसकी होगी, तो मान लो ये हमारे पास b वैल्यू है, रेक्टेंगल हमारे पास a और b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है, a में भी ग्रेटर देन b, में भी b ग्रेटर देन a, और a इज इक्वल टू b, देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल कन्वर्ट इनटू स्क्वायर. अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास y नोड है, मान लो दिस इज द लेंथ b, तो हमारे पास ये लेंथ b है इसके अकॉर्डिंग, तो इट्स y नोड प्लस b, और सिमिलरली इतनी ही लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, y नोड माइनस b. ठीक है, ये लाइन आ गया एज इट इज. अब y इन दोनों के किस में है, मिड में है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो आएगा हमारे पास इसकी लेंथ इसके
इस तरफ और इसके इस तरफ, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आएगी। अब देखते हैं हम इसमें आर में जो हमारे पास जो कॉमन एरिया है वो क्या आया है। कॉमन एरिया ये आया है, रेक्टेंगल आई है, बिकॉज इसका इस तरफ और इसमें इस तरफ, तो हमारे पास जो ये कॉमन एरिया आया है, दिस इज द कॉमन एरिया, और यही हमारे पास क्या होगा, आर। ये हमारे पास होती है रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास क्या होगी, आर, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू को हम इसमें से चूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास होगी जनरल डेफिनेशन। मान लो अब इसी में मान लो उसने एक्स नोड ले लिया जीरो और वाई नोड ले लिया जीरो, तो ये रेक्टेंगुलर किसमें किस टाइप में लिखेंगे हम, इट इज एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट एक्स, ये हमारे पास क्या है जीरो, तो एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू ए और वाई का मोड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, बस यही होगी हमारे पास रेक्टेंगल। ओके, तो इस रेक्टेंगल को हम इस तरह डिनोट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स नोड है वो क्या है हमारे पास जीरो, ये हमारे पास जीरो कोमा जीरो, ये पॉइंट है, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो डोमेन में लाई करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल इस तरफ। ओके, कोई बच्चा बोल सकता है सर मैं तो इसका सेंटर नहीं लूंगा जीरो जीरो, मैं कुछ और लूंगा, तो मान लो उसने ले लिया x माइनस वन ले लिया, ठीक है, तो उस टाइप से मैं करके देखते हैं, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं और एग्जाम्पल के लिए एक और रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें हमने सिर्फ किसकी वैल्यू चूज करनी है, सिर्फ ए और बी के अकॉर्डिंग, सिर्फ ए और बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगी, रेक्टेंगल आएगी। हमारे पास बोल लो उसने बोल दिया एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वेयर सच दैट एक्स माइनस वन इज लेस देन टू, ठीक है, टू ले लिया, ओके, कोई बात नहीं, वाई मोड है ये, ठीक है, नोट द ब्रैकेट, दिस मोड वाई माइनस, इसने भी वन ले लिया लेस देन टू, मान लो ये हमें क्या करनी है, इसमें मैंने क्या ले लिया, अब जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है, ना भी लो इसको थ्री ले लो, ठीक है, ये हमारे पास ले ली रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब देखो इसको मैं अगर मैं प्लॉट करूंगा रेक्टेंगल को ग्राफ पे, जो हमारे पास डोमेन लेंगे हम चेक करने के लिए किसी फंक्शन की लिप कंडीशन, तो अब देखो बच्चों एक्स माइनस वन यानी सेंटर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या लेनी है वन, तो इट इज वन टू थ्री फोर, ठीक है, इट इज ऑल्सो वन टू थ्री फोर, दिस इज आवर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इट इज माइनस, ठीक है, माइनस फोर, इस तरफ प्लस वन टू थ्री फोर। अब देखो बच्चों हमने लिया एक्स वन, तो ये आ गया वन यहाँ पे, अब वन से इसकी जो रेडियस है, अब कॉम्प्लेक्स में जैसे सर्कल को नहीं पढ़ते हैं वही काम है यहाँ पे, तो टू इस तरफ यानी वन टू, तो एक लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये हमारे पास हो गई लाइन। ओके, दूसरी लाइन लेफ्ट साइड में, तो टू माइनस वन, या फिर इसके दो लेंथ वन टू, तो एक ये हो गई हमारे पास, तो ये आ गई, और कॉमन एरिया कौन सा आना है, इसका इस तरफ आना है बिकॉज इसमें की मिड में लाई करती है, और इसके इस तरफ, इज दैट क्लियर? तो दूसरी हमारे पास वाई माइनस वन, तो वाई वन ये रहा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई वन वाई नोट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स नोट। अब देखो थ्री मतलब इस वन से थ्री इस तरफ वन टू थ्री, तो दिस इज द वैल्यू वाई इज इक्वल टू, किसकी लाइन है ये, वाई इज इक्वल टू फोर, और ये किसकी थी, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये किसकी थी, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सिमिलरली इसका एरिया इस तरफ आएगा, ओके, और इसमें देखें फिर इस वन से तीन लेंथ वन टू थ्री, तो इट इज, ठीक है, दिस इज द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल भाषा में हम देखें तो सिंपल कैलकुलेशन देखें तो ऐसे ट्रायंगल हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इसका एरिया इस तरफ, दो जो हमारे पास इसकी जो ट्रायंगल बनती है वो ये बनेगी। ओके, तो इस ट्रायंगल में हमने फंक्शन क्या देखनी है, लिप कंडीशन। ओके, तो ऐसे हम रेक्टेंगल में देखते हैं और ये रेक्टेंगल हमें अलग अलग दी होंगी फंक्शन की, और अलग अलग ट्रायंगल पे हमारे पास लिप कंडीशन अलग अलग से क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, मे बी इस रेक्टेंगल पे करती हो, इस पे ना करती हो, इस पे करती हो, इस पे ना करती, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास थे रेक्टेंगुलर। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, चेक दैट फंक्शन सेटिस्फाई लिप कंडीशन इन ए रेक्टेंगल आर, और रेक्टेंगल उसने ये दे दी, ठीक है, अब उसने दे दिया ए ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब इस ट्रायंगल को हम रेक्टेंगल को प्लॉट करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये देखो, तो इसमें जो हमारे पास सेंटर है वो बच्चों क्या दिया हुआ है, जीरो कोमा जीरो, यानी इसके अराउंड बनेगी, हेयर एक्स एंड हेयर वाई,
तो ए मान लो ये लेंथ हमारे पास ए है, तो इट इज एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, एंड दिस इज ए इस तरफ, ठीक है, तो इतनी इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली बी है हमारे पास, तो मान लो ये बी है हमारे पास, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू बी, ओके, और ये हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस बी। तो रेक्टेंगल जो आई है हमारे पास, रेक्टेंगल ये आई है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल, ओके। तो इस रेक्टेंगल में हमने चेक करना है, दिस इज पॉइंट 0,0, ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये माइनस ए है, ये बी है और ये माइनस बी है। अब इस रेक्टेंगल पे हमने ये सारे फंक्शन चेक करने हैं, इट इज नॉट ए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट हम इसकी चेक करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब बाय डेफिनेशन से हम चेक करना सीखेंगे, तो देखो बच्चों, हम जनरल डेफिनेशन लगाते हैं, बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लिप कंडीशन, लिप कंडीशन क्या चेक करना है हमें, वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू, ये हमने लेस देन दिखाना है सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई वन माइनस वाई टू का मोड, इज दट क्लियर। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन, तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वन होल स्क्वेयर, इज दट क्लियर, माइनस, और एफ टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई टू होल स्क्वेयर, ओके। और हमारे पास ये दी हुई है मोड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन ए, और मोड वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन बी। अब देखो बच्चों, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस वाई टू का होल स्क्वेयर, ओके, ये इससे कैंसल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई वन स्क्वेयर प्लस वाई टू होल स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, अब मैं इसमें से y1 माइनस वाई टू, ये मैं क्या ले सकता हूं, इसमें से कॉमन ले सकता हूं, तो वो देखो बच्चों क्या आएगा, इसमें से कॉमन लेते हैं हम, ओके, तो जाएगा हमारे पास, अच्छा प्लस था, इट इज प्लस, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया या फिर ब्रेक कर दिया। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या होती है, x प्लस वाई का मोड इज लेस देन मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ y, सिमिलरली अगर इनटू y हो, तो ये देखो बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन y1 माइनस y2 का मोड एंड y1 प्लस y2 का मोड, ओके। तो अब ये देखो, y का मोड है वो किससे लेस है, मोड ऑफ y इज लेस देन b, तो हमारे पास y1 प्लस y2 इसको कंसिडर करते हैं, इसका मोड इज लेस देन बाय दिस प्रॉपर्टी, प्लस होता है यहाँ पे, तो इट इज मोड ऑफ y1 प्लस मोड ऑफ y2, एंड दिस इज y1 किसका मोड, किससे छोटा है, b से, तो b प्लस b, तो इससे किससे छोटा हो गया, 2 से, तो ये जो इनक्वालिटी है किससे छोटी हो जाएगी, 2 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और इस तरफ क्या चल रहा है हमारे पास, इट इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आ गई, हमारे पास इनक्वालिटी आ चुकी है, इस इनक्वालिटी में हम देख रहे हैं जो के की वैल्यू है वो कितनी है, 2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस ऑफ एक्स कोमा वाई टू इज लेस देन इक्वल टू के इंटू वाई वन माइनस वाई टू, तो इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो के की वैल्यू 2 है, यानी जो के है वो क्या हमारे पास, लिप कॉन्स्टेंट। तो एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई लिप कंडीशन, तो एफ सेटिस्फाई कर जाएगा लिप कंडीशन को। तो ऐसे हम किसी क्वेश्चन की लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, इज दैट क्लियर। तो ये होता है हमारे पास, तो फंक्शन हमारे पास क्या कर गया, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब हमने ये देखा बाय डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन से ये सेटिस्फाई कर चुका है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन वाई है, और इसको हम कर देते हैं रब, ट्रायंगल ये यही रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज सॉरी यहाँ पे 2b होता, ठीक है, ये 2b आता, 2b, ठीक है, 2b, b हमारे पास क्या, ग्रेटर देन 0 है, ओके।
तो फिर भी कोई बात नहीं, हमें कॉन्स्टेंट चाहिए था। तो अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक्स इंटू साइन वाई। इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब साइन ऑफ वाई है, देन बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस, और इसमें साथ में ये भी लिख लेना, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई वन एंड एक्स कोमा वाई टू बिलोंग्स टू द रेक्टेंगल आर। ये हमारे पास क्या है, आर जो उसने दी हुई है। ओके, तो अब ये देखते हैं एक्स कोमा वाई टू का मोड, चलो तो इसको कंसिडर करते हैं। तो बाई डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स मोड ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई वन। ओके, साइन ऑफ वाई वन माइनस एक्स इंटू, ये हमारे पास क्या आएगी, साइन ऑफ वाई टू। इज दैट क्लियर? नाउ टेकिंग एक्स कॉमन बोथ, इसमें दोनों में से एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स का मोड अलग ले लेते हैं या फिर बाद में लेंगे, पहले एक्स को कॉमन आउट कर लो। तो इट इज साइन ऑफ वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू। इज दैट क्लियर? अब सिमिलरली मोड को अलग अलग कर देते हैं, लेस देन मोड ऑफ एक्स या फिर इक्वल, ठीक है, साइन ऑफ वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू का मोड। अब जो एक्स का मोड है, हमें जो एक्स का मोड है वो किससे छोटा दिया हुआ है, ए से छोटा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां से लेस कर सकता हूं, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, तो ए इंटू साइन ऑफ वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू। एंड बाय मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमारे पास जो साइन ऑफ वाई वन है, साइन ऑफ वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू है, मीन वैल्यू थ्योरम से ऑन रेक्टेंगुलर आर इसकी वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहती है, वाई वन माइनस वाई टू से। या तुम्हें पता भी होगा जो साइन ऑफ वाई है वो लेस देन इक्वल टू वाई होता है, तो ये किससे छोटी आ गई, ए इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ओके, और इस तरफ हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू। अब ये देखो हमारे पास ये किसकी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई लिप कंडीशन, ठीक है। इस लिप कंडीशन में हमारे पास जो लिप कांस्टेंट आया है, लिप कांस्टेंट वो हमारे पास क्या है, ए, तो दिस इज अवर लिप कांस्टेंट ऑन डोमेन डी। अब देखो जो डी है ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है, डी है। इस डोमेन डी में ही हमारे पास जो इसका यूज हो रहा है हमारे पास, क्योंकि एक्स का जो मोड है वो किससे छोटा है, ए से छोटा है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये क्या कर गया, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ओके, यू कैन इजिली डू दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास उसमें दे रखा है सिंपल वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, वाई, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, ये मैं ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं ताकि समझ में आपको आ जाए कि कैसे करते हैं हम लिप कंडीशन चेक। तो इट इज वाई, तो कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू। तो ये तो सिंपल ही है, ऊपर की तरह ये तो, ठीक है। इसको करेंगे तो एक्स इंटू वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई टू, टेकिंग एक्स कॉमन आउट, तो एक्स का मोड अलग, वाई वन माइनस वाई टू का मोड अलग। तो एक्स मोड किससे छोटा है, ए से, तो इस इज लेस देन ए इंटू वाई वन माइनस वाई टू का मोड। तो यहां से क्या हो गया, एफ सेटिस्फाई लिप कंडीशन, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया विद कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए। इसमें के की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, सिमिलरली लास्ट की तरह है। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली ये हमारे पास, अगर ये होता हमारे पास फंक्शन होता एफ वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब, तो इसमें करते तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाता बच्चों, तो देखो पहले करते हैं, तो ये हमारे पास होता वाई वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई वन की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस वाई वन वाई टू का स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस वाई टू की क्यूब। अब इसको करते, अब देखो बच्चों हमारे पास जो y का मोड है वो किससे छोटा दिया हो, b से, तो हमें इसका यूज इस क्वेश्चन में करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसको अलग से लिखेंगे y1 का स्क्वेयर माइनस y2 का स्क्वेयर प्लस y1 की क्यूब माइनस y2 की क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 माइनस y2 एंड y1 प्लस y2, ओके। और इसमें से अगर कॉमन लूं मैं y1 माइनस y2, ये होगा y1 का स्क्वेयर प्लस y2 का स्क्वेयर और प्लस y1 इंटू y2। अब देखो दोनों में अगर मैं ये कॉमन लूं तो अलग अलग कर दूं y1 माइनस y2 एंड दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 इंटू y2। अब ये देखो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास ये किसे छोटा है, b से, तो ये हमारे पास हो जाएगा b प्लस b, b प्लस b, तो जो हमारे पास ये आएगा इसको मैं क्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं, y1 माइनस y2, और k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखो ये किसे छोटा है, b से, y बी से छोटा है, तो हो जाएगा b
प्लस बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो इट्स 2b प्लस बी की पावर क्यूब विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो k की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, और इस तरफ क्या हमारे पास f ऑफ x कोमा वाई वन माइनस f ऑफ x कोमा वाई टू। तो ये हमारे पास क्या कर गया, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया विद लिप कॉन्स्टेंट 2b प्लस बी स्क्वेयर वेर b इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये फंक्शन भी क्या कर गया, लिप कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इज दैट क्लियर? तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शन का हमारे पास क्या करता है, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी डोमेन में, ओके इसी डोमेन में लेके चलते हैं। ये देखो बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। और इस टाइप के हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो अब देखो बच्चों इसकी हम क्या करेंगे, लिप कंडीशन चेक करेंगे। लिप कंडीशन तो सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं फर्स्ट के। तो उसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1/3। ओके, तो इसमें देखते हैं हम। तो बच्चों देखो, जैसे हमारे पास लिप कंडीशन की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू इज लेस देन इक्वल टू के इन टू मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। कई बार इसको मैसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज लेस देन के अपॉन वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो इस टाइप से में भी हम लिप कंडीशन को चेक करते हैं, इसलिए बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन कंसिडर किया है। तो अब देखो बच्चों, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, वाई वन रेज टू पावर 1/3 माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, y2 रेज टू पावर 1/3 अपॉन मोड ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखो मैं ये क्या चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन k चाहिए। ओके, और हमें ट्रायंगल क्या दी हुई है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a एंड मोड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू b। ओके, अब बिकॉज y है तो इसकी हमें खास जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत है। अब ये देखो बच्चों, अब मैं पुट कर दूं, मैं पुट y1 इज इक्वल टू 0, मान लो मैंने माने y2 या y1 आपकी एक मर्जी है, यानी कौन सा पॉइंट, इस पे पॉइंट, ठीक है, x एक्सिस का कोई पॉइंट मैंने अगर इसमें पुट किया, ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 0 माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस y2 रेज टू पावर 1/3 एंड अपॉन 0 माइनस y2, तो इट्स y2 मोड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 की पावर 1/3 अपॉन y2। ठीक है, अब नीचे पावर 1 है और ऊपर 1/3 है, तो ये नीचे आ जाएगी 1 माइनस 1/3, तो इट्स 2/3, तो ये हमारे पास रह गया 1 अपॉन y2 रेज टू पावर 2/3। अब देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, y2 का मोड दिया हुआ है लेस देन b। अब हमें ये क्वांटिटी किसी फाइनाइट नंबर से लेस चाहिए, तो अगर मैं, ये हमारे पास है दोनों तरफ y रेज टू पावर, ठीक है, y लेस देन b है, हमें चाहिए y रेज टू पावर 2/3। अब देखो बच्चों, हम इसको कंसिडर करते हैं, y का मोड इज लेस देन इक्वल टू b, अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूं तो 1/y का मोड, ठीक है, मोड भी चल रहा है साथ में, तो हमारे पास ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ग्रेटर 1 अपॉन b। अब इसकी दोनों तरफ में पावर 2/3 करूं तो इट्स रेज टू पावर 2/3 और 2/3, बिकॉज b का हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बिकॉज उसने डोमेन R में जो b दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और y का भी हम कर सकते हैं, बिकॉज हम y1 को तो 0 लेके चले हैं और y2 को क्या लेके चले हैं, नॉन जीरो लेके चले हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल हुई है। अब देखो बच्चों, अब हमें इसकी लेस वैल्यू पता है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कि ये किस क्वांटिटी से छोटा होगा, ठीक है, तो ये मे भी इंफिनिटी की तरफ भी टेंड कर सकता है, इन टेंड्स टू इंफिनिटी व्हेन y2 टेंड्स टू 0, जहां जहां हम y2 को 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये क्वांटिटी किससे, किसकी तरफ अप्रोच करती जाएगी, इंफिनिटी की तरफ। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो एग्जिस्ट कांस्टेंट केसेस दैट दिस क्वांटिटी इज लेस देन द k, ठीक है, विच इज नोन एज लिप कॉन्स्टेंट। तो ऐसा कोई k एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे हमारे पास ये क्वांटिटी क्या हो जाए, लेस हो जाए। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू तो पता है कि हमारे पास ये क्वांटिटी 1 अपॉन b रेज टू पावर 2/3 से छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, पर उससे तो मतलब ही नहीं, हमें इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए था, तो वो हमारे पास यहाँ पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1/3 नॉट सेटिस्फाई लिप कंडीशन, ठीक है, लिप कंडीशन तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। मान लो बच्चों, इसी क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें दिया 2/5,
ठीक है, 2/5, तो इसमें हम देख रहे हैं 2/5 में, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2/5, 2/5, ठीक है, सेम ही रहेगा और तो सारा सेम रहेगा। तो अब मैं दोबारा y1 को 0 पुट करूंगा और y2 को नॉट इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2/5 और यहां से 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5, तो 5 माइनस 2 इट्स 3/5, तो ये हमारे पास हो गया 3/5। अभी भी सेम कंडीशन है, अगर मैंने y2 हमारे पास सेम रहेगा बिकॉज हमारे पास रेक्टेंगल तो सेम है चारों क्वेश्चन के लिए। अब y2 जीरो को अप्रोच करेगा तो ये कंटिन्यू दोबारा किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। इज इट इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट क्लिप कांस्टेंट केसेस दैट दिस क्वांटिटी इज लेस देन द सम रियल नंबर, तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई लिप कंडीशन ऑन दैट रेक्टेंगल r। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब आता हूं मैं 3-way, ये भी नहीं कर रहा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3/2 ये दिया हुआ है, तो 3/2 लेते हैं, तो इट्स 3/2, 3/2, ठीक है, और यहां पे सेम रहेगा और यहां पे क्या आ जाएगा 3/2, ऊपर 3/2 है नीचे 1 है, यानी 3/2 ग्रेटर है, तो ऊपर कितनी रह जाएगी, अब इसमें ऊपर रहेगी y, ठीक है, y इज लेस देन y की पावर 3/2 माइनस 1, तो इट्स 3/2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगी 3 माइनस 2 1, तो हमारे पास होगी 1/2, ठीक है 1/2। अब कर सकते हैं हम, अब हमारे पास क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू b है, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रूट वाई का मॉड इज लेस देन रूट बी, और बी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इट इंप्लाइज दैट इट इज नॉट ए इमेजिनरी नंबर, तो हमारे पास रूट बी आएगा वो भी क्या आएगा, हमारे पास एक रियल नंबर आएगा, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है किससे छोटी हो गई, रूट बी से, ठीक है, रूट बी से छोटी हो गई, तो हमारे पास इट इंप्लाइज दैट, अब ये मत समझना कि यहां पे y1 माइनस y2 वाला पोर्शन कहां गया, वो इसके नीचे आया हुआ है, क्योंकि हम इस टाइप की डेफिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं, इस टाइप की क्या है, उसी से इंप्लीकेशन आया है ये, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ k विच इज लिप कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, लिप कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट f(x) सेटिस्फाई लिप कंडीशन ऑन r, इसमें क्या करता है, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इज दैट क्लियर। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, ये सेटिस्फाई कर गया, अब इस पार्ट पे आते हैं, y रेज़ टू पावर 5/2, नाउ कम टू द 5/2 पार्ट, ठीक है, तो यहां पे आएगा ये 5/2, 3 की जगह क्या हो जाएगा 5/2 5/2, सेम करेंगे तो इट्स 5/2 और ऊपर करेंगे तो 5/2 माइनस 1, इट्स यहां पे क्या रहेगा 3/2, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ मैं 3/2 पावर कर सकता हूं, यहां पे दोनों तरफ 3/2 पावर करूंगा, तो y रेज़ टू पावर 3/2 का मॉड इज लेस देन b रेज़ टू पावर 3/2, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर आएगा जो फाइनाइट होगा, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू b की पावर 3/2 व्हिच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, इज दैट क्लियर। तो ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या सेटिस्फाई कर जाएगा, लिप कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई, इज दैट क्लियर। तो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आज, एक डोमेन लेके r पे, r इस रेक्टेंगल पे करवा दिए मैंने, ठीक है। अब मैं कुछ आपके लिए इसी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जो आपको डिस्कस करनी है खुद कि वे सेटिस्फाई करते हैं, मैं इसी पे दे रहा हूं आज इस वीडियो में, ठीक है, तो वो आपके लिए असाइनमेंट है, चेक करना है कि वो इसमें लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो देखो क्या है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है बच्चों, ये आपको इस डोमेन के अंदर ही, इस रेक्टेंगल के अंदर ही आपको इनकी लिप कंडीशन का चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। आप इनका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं एज ए असाइनमेंट, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट फॉर दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग डोमेन पे, ठीक है, यानी और रेक्टेंगल लेके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उनकी क्या करेंगे, चेक करेंगे, और कुछ भी ले सकते हो आप, 11th क्वेश्चन में आप ले सकते हो f(x, y) इज इक्वल टू x(y³, ठीक है, 12 में ले सकते हो f(x, y) इट इज x² y², ठीक है, 13 में आप ले सकते हो f(x, y) इज इक्वल टू x sin y + y cos x, ठीक है, तो आप इनको सबको चेक करना है, इज इट क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाती है फिर, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर
क्वेश्चन टू चेक देयर लिप कंडीशन ऑन गिवन रेक्टेंगल आर, ठीक है। तो उसमें हम रेक्टेंगल इससे अलग लेके चलेंगे, तो उसमें हम क्वेश्चन को क्वेश्चन की क्या करेंगे, लिप कंडीशन चेक करेंगे, और उसके बाद हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे उन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, सो इसीलिए हमारे पास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पास नेक्स्ट वीडियो की डालने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, और बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी जाए। ओके, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।